अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ साहिबा और आज हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर समझेंगे, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से चतुर मशीन को डिफाइन करता है थ्री इडियट्स मूवी में। हम कुछ अलग तरीके से समझेंगे। तो रैशनल और इरेशनल नंबर समझने से पहले थोड़ा सा नंबर्स की दूसरी टाइप्स को भी समझ लेते हैं, ताकि हमारे जो है दिमाग में बात सही तरीके से फिट हो। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल सिंपल नंबर्स से, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और गोइंग ऑन है, जिन्हें आज के ज़माने में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जब इसमें ज़ीरो डल जाता है तो फिर ये कहलाते हैं होल नंबर्स, बाकी सेम है। और फिर आ जाते हैं इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव नंबर्स मुसीबत आ जाती है, जो कि उल्टी तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं इसमें और ज़ीरो भी, उन्हें कहा जाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स में से ही निकलते हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6 गोइंग ऑन, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 गोइंग ऑन, एंड प्राइम नंबर्स जिन्हें सिर्फ खुद का नंबर डिवाइड करता है और कोई नहीं, कॉम्पोजिट नंबर्स इसका अपोजिट है, एंड 4, 6, 8, 9 गोइंग ऑन। और फिर आ जाते हैं हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे कि हाफ, 3/4, 26/7 इस तरह से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर डेसिमल नंबर्स भी हैं, वो भी फ्रैक्शनल ही हैं, सिर्फ इसमें जो है पॉइंट आ जाता है, पॉइंट की शक्ल में लिखा जाता है। और ये सारे नंबर्स मिलकर कहलाते हैं रियल नंबर्स। और जो नंबर्स हैं ही नहीं, जिन्हें सिर्फ इमेजिन किया जाता है, और उन्हें कहलाया जाता है इमेजिनरी नंबर्स। दोनों को मिलाकर आखिर में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने दो नंबर टाइप्स मिस कर दी, जो कि ऑब्वियसली रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। हम इस पर आ रहे हैं, थोड़ा सा सबर। अब बात करते हैं ग्रीक मैथमेटिशंस की, जो कि काफ़ी मशहूर हैं। उनके कुछ बिलीव्स थे, हम सिर्फ अपने काम का बिलीव डिस्कस करते हैं। वो क्या था? ये था कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको कोई ना कोई फ्रैक्शन ज़रूर रिप्लेस करता है। जैसे कि अगर मैं 6 लिखूँ तो उसकी जगह पर 12 और 2 आ सकता है, जो कि 6 के बराबर है, लेकिन शर्त ये थी कि नीचे और ऊपर वाला नंबर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जैसे कि ऊपर फ्रैक्शन ना हो या फिर नीचे भी कोई फ्रैक्शनल नंबर ना हो, डेसिमल कोई भी। अब बात करते हैं पाइथागोरस की, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। उसने कुछ ढूंढ निकाला, वो क्या था? ये था कि अगर कोई लाइन पेन है इस तरह से और दूसरी इस तरह से, फिर तीसरी यूँ मिला दें, तो जो पहले की जो दो लाइन्स हैं उनके स्क्वायर एरियाज़ तीसरे लाइन के स्क्वायर एरिया के बिल्कुल बराबर है। यानी कि अगर हम एक लाइन को ए और दूसरी लाइन को बी कंसिडर करें और तीसरी को सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर के। सो इन एनी राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल से कहते हैं जिसकी एक एंगल राइट हो, 90 डिग्रीज के बराबर हो, तो इन एनी राइट ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये बड़ा मज़े का थ्योरम था। इससे हम दो वैल्यूज़ के होते हुए तीसरी वैल्यू हम बिना मेयर करें निकाल सकते थे। अब ये भी इन बिलीव्स में से एक बिलीव बन गया था ग्रीक मैथमेटिशियंस के। इस बिलीव को जो ज़्यादा मानते थे या इसे फॉलो करते थे उनको पाइथागोरियंस कहा जाता था। तो इन्हीं पाइथागोरियंस में से एक पाइथागोरियन था हिपेसस, जिसने एक सिंपल सा ट्राइंगल लिया, 1, 1 दो साइड्स की मेयरमेंट थी, फिर जो तीसरा जो साइड था हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड था उसकी वैल्यू निकाली अंडर रूट 2, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसे रूट 2 ही रखा। तो उस नंबर को अंडर रूट 2 को उसने फ्रैक्शन की सूरत में रिप्लेस करने की कोशिश की, ठीक है, इसकी जगह पे एक फ्रैक्शन लिखने की कोशिश की, जो कि इनका बिलीव था पहले वाला, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो इस चीज़ में नाकाम रहा, वो जो है फ्रैक्शन इसकी जगह पर अंडर रूट 2 नंबर की जगह पर नहीं ला पाया। उसने बहुत कोशिश की, इवन उसने एक रूल भी दिया जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, ये भी काफ़ी टाइम ले लेगा। तो बस बात का मतलब ये है कि उसने ये प्रूव करके दिखाया कि इस नंबर को जो कि अंडर रूट 2 है
कोई भी फ्रैक्शन रिप्लेस नहीं करता इसको, जो कि दोनों इंटीजर्स हों ऊपर और नीचे वाले नंबर। और ये बात उसने दूसरे पैथाग्रेंस के आगे रखी और उनके आगे ये साबित किया और उन्हें बताया, यकीन दिलाया कि अंडर रूट टू को कोई फ्रैक्शन रिप्लेस नहीं करता। तो नतीजे में उसे एक इनाम मिला, वो क्या था व्यूअर्स, वो थी मौत। यस, उसे डुबो दिया गया इस बात की बिना पर, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनका यकीन था और वो अपने बिलीव को कैसे तोड़ते, क्योंकि वो उनका रिलीजियसली उन्होंने इसको जो है इतना सीरियस लिया हुआ था, इसलिए जो बात करने वाला है उसका ही काम तमाम कर दिया। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन की सूरत में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 0.5 है नंबर, इसको 1/2 की सूरत में लिखा जा सकता है, ठीक है, और भी फ्रैक्शंस होंगे, लेकिन शर्त यह है कि ऊपर और नीचे वाला नंबर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है, एक जो है इंटीजर वो 0 ना हो। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप फ्रैक्शन लें, इसका 1/2 है, तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जिसके दो हिस्से किए गए उसमें से एक हिस्सा लिया गया है, या फिर 2/3 है तो एक चीज़ है जिसके तीन हिस्से किए गए हैं, ठीक है, नीचे वाला नंबर, और फिर उसमें से दो हिस्से लिए गए हैं, तो ये 2/3 होगा। लेकिन कोई चीज़ ऐसी हम नहीं ले सकते जिसके 0 हिस्से लें और फिर उसके दो या कितने भी हिस्से ले सकें। जब वो हिस्से किए ही नहीं किए गए तो फिर हम उसमें से हिस्से कैसे ले सकते हैं, ठीक है, तो ये समझने वाली बात है, इसलिए नीचे 0 नहीं आ सकता। तो अब इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें कोई फ्रैक्शन रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे कि अंडर रूट 2 और पाई, ये भी एक मशहूर नंबर है, और ऑयलर्स नंबर और गोल्डन रेशो, ये सारे नंबर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे ही इरेशनल नंबर्स हैं, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। अब थोड़ी सी फर्दर और नॉलेज ले लें कि जो सारे नंबर्स हैं नेचुरल होल इंटीजर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रैक्शन की सूरत में लिखे जा सकते हैं, सिंपली जस्ट नीचे 1 दे दें, और बाकी जो फ्रैक्शनल नंबर हैं वो भी सारे ही रैशनल होंगे क्योंकि ऊपर नीचे इंटीजर्स ही हैं। बाकी सवाल आता है डेसिमल नंबर्स पर, उनमें से जो ख़त्म होने वाले हैं, टर्मिनेट होने वाले 1.5, 2.6, ये वाले रैशनल होंगे, और जो ख़त्म नहीं होते रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि 0.333, ये रिपीट हो रहा है, इनमें पैटर्न है लेकिन फिनिश नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, ये भी रैशनल नंबर होंगे, इसको कोई ना कोई फ्रैक्शन ज़रूर रिप्लेस करेगा। लेकिन वो नंबर्स जो कि ख़त्म भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई रिपीटेशन भी नहीं आ रही और एंड भी नहीं है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो वो इरेशनल की खासियत है, वो नंबर इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं फाइनली अपनी बुकिश डेफिनेशन पर। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और पी और क्यू इंटीजर्स हों, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कोई माने नहीं रखता। तो जो फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर्स हैं वो रैशनल और इरेशनल की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।